गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये गाइस हमारी मार्केटिंग टीम है और हम जा रहे हैं यहाँ सीधे पिथौरागढ़। तो एक कार, दो कार जा रही है और एक बड़ी बस जा रही है और सब लोग टीम यहाँ पर तैयार है निकलने के लिए। यहाँ से अभी निकलेंगे हम सीधे पिथौरागढ़, फिर पिथौरागढ़ से धारचूला मुंशारी होते हुए टनकपुर खटीमा होते हुए वापस घर को आएंगे। तो एक हफ्ते का पूरा हमारा जो सफ़र है, तो ब्लॉग को पूरा इंतजार देखिएगा। तो फ्रेंड ये सफारी जा रही है और एक ये बड़ी बस जा रही है, इसमें पूरा सामान हमने रख लिया पीछे। तो फ्रेंड निकल चुके हैं हम माइंड पावर यूनिवर्सिटी से और आज हम पहले सीधे जाएंगे पिथौरागढ़, वहाँ पर आज हम स्टे करेंगे क्योंकि 6-7 घंटे का रास्ता है। तो कल हम वहाँ से अपनी प्लानिंग आगे करेंगे, वहाँ पिथौरागढ़ की मार्केट और स्कूल कवर करेंगे। तो ब्लॉक को पूरा एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड अभी हमें सुआ खाना और लमगड़ा के बीच में, तो यहाँ पर देवभूमि रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाना खा रहे हैं। टाइम हो गया, दिन के 2 बज चुके हैं, सभी लोगों को भूख लग गई है पूरी टीम को। तो पहले खाना खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं पिथौरागढ़ के लिए। ये हमारे पांडे जी हैं, अभी एक ब्लॉग मेरा इनका आया था पांडे जी के साथ जो हमने साक्षात्कार किया था। तो पांडे जी हमारी मार्केट टीम के मुख्य लीडर हैं और अभी हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ यहाँ सीधे। अभी खाना खाने के लिए हम रुके हैं सुआ खान और लमगड़ा के बीच में। तो टाइम 2 बज गया था, पांडे जी को भी भूख लग गई होगी, हमारी पूरी टीम को भूख लग गई है। तो पहले खाना खा लेते हैं। चलनी छीना जगह का नाम है, चलनी छीना। तो अभिषेक आइयो, अभिषेक आप नहीं करना है, यही सही है। सब आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे हैं। और बाबा जी का एक कैलेंडर हमने यहाँ पर देवभूमि रेस्टोरेंट में यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। खाना कम तो नहीं हुआ। इसके बाद हम निकल चुके हैं सीधे पिथौरागढ़ के लिए। पिथौरागढ़ अभी यहाँ पर से 90 किलोमीटर और है, यानी कि 3-3.5 घंटे का रास्ता और है यहाँ से। तो निकलते हैं सीधे पिथौरागढ़। फ्रेंड अभी हमें धनिया की मार्केट में और हमारी टीम अलग अलग जगह को बैठ गई है और हम यहाँ पर दुकान दुकान पर मार्केट में यहाँ पर सबसे संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो गाइस अभी हम हैं पनार में और टाइम हो गया है शाम के 6 बज गए हैं। यहाँ से अभी 40 किलोमीटर रास्ता और है पिथौरागढ़ का, 37 किलोमीटर। तो पनार पर यहाँ पर अपना बोर्ड, हम फ्लैग्स जो है यहाँ पर इसको लगा रहे हैं और ये सामने ही रोड चली गई है पिथौरागढ़ को और ये चली गई पाताल भुवनेश्वर को और चकोरी को। सुबह 10 बजे से चले हुए हैं हम, शाम के 6 बज गए हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। और अभी हमने एक मार्केट कवर की थी धनिया वाली मार्केट, वहाँ पर हमने हर दुकान में यहाँ पर जाके हमने पैम्पलेट वगैरह और जो भी नंबर हमने लिए वहाँ पर। तो अब यहाँ से हम सीधे आज निकलेंगे पिथौरागढ़, वहीं स्टे करेंगे और कल सुबह से फिर अपना काम शुरू करेंगे। आयो सर।
घाट पे हमको मिल गए हैं बॉबी भैया। इनका भी यूट्यूब चैनल है एडवेंचर विद बॉबी भैया। तो बॉबी भैया से मिलते हैं पहले। पिथौरागढ़ रोड पर घाट के बाद और आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्या नज़ारा है यहाँ पर प्रकृति का, मैं आपको दिखाऊंगा सनसेट कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। अभी हमें प्रसिद्ध गुन्ना माता मंदिर में, फ्रेंड हम लोग पिथौरागढ़ में इंटर कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं जहां पर हमने रात को रुकना है। तो मेरी टीम भी हमारे साथ है, तो सब लोग लंबा सफर था, थोड़ा थक गए हैं, पर जोश किसी का कम नहीं हुआ है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाय द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। फ्रेंड्स सबने चेंज कर लिया है, हमको सर काम में भी लग गए हैं, बाकी सब लोग अभी चेंज कर रहे हैं। रूम हमें मिल गया टीआरसी में, बहुत बढ़िया रूम मिला है, डॉर्मेट्री है, तो सब लोग अपने अपने बेड पर सोएंगे, बढ़िया करके नींद आएगी और सुबह फिर काम में सुस्त लग जाएंगे। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है रात के 8:15 और हम पिथौरागढ़ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर टीआरसी जो टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, यहाँ पर पांडे जी भूतपूर्व पर्यटन विकास अधिकारी रहे हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बात करके हमें रूम यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है, बहुत सही रेट में कराया है। तो आज रात का स्टे ही करते हैं, थके हुए हैं, बस में इतना स्पेस है नहीं। तो गाइस मिलते हैं आपसे सुबह। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।